हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित काम धेनु कृषक एवं उपभोक्ता हितकारी मंच के 30 सितंबर को नमहोल में होने जा रहे वार्षिक उत्सव में टॉप 20 मिल्क फेडरेशन सम्मानित किए जाएंगे। समारोह के मुख्य अतिथि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर होंगे और इनमें कुल 500 दूध उत्पादकों को मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उन्हें ब्याज समेत इंसेंटिव भी मिलेगा। ये खुलासा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित कामधेनु स्वीट शॉप में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष नानक चंद और सचिव जीत राम कौंडल ने किया। उन्हें बताया कि प्रतिदिन 20 लीटर दूध पैदा करने वाले उत्पादकों को एक परमिट इंसेंटिव दिया जाता है। इसे ऐसे 20 उत्पादकों को समारोह में सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को यह संस्था अपने सफर के 17 वर्ष पूरे कर रही है, जिसके तहत वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अब तक के सफर का अवलोकन कर भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा तथा मुख्य अतिथि का मार्गदर्शन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के नमहोल व आसपास क्षेत्र तथा जिला सोलन की 60 ग्राम पंचायतों के 300 गांवों के 4000 परिवार के घर द्वार से प्रतिदिन सुबह और शाम के समय 26000 लीटर दूध का एकत्रीकरण एवं वितरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस समय पूरे देश में डेयरी व्यवसायों से जुड़े संगठनों एवं लोगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा राज्यों के किसानों को गाय के दूध का 20 से 22 रुपए प्रति लीटर की दर से रेट मिल रहा है, जबकि हिमाचल की कामधेनु एक ऐसी संस्था है जो दूध उत्पादकों को 29 रुपए से लेकर 40 रुपए तक प्रति लीटर की दर से रेट उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही उत्पादकों को घर द्वार पर अच्छी क्वालिटी के कैटल फीड भी उपलब्ध करवाई जा रही है। संस्था का प्रारंभ 2001 में 8-10 परिवारों के 35-36 लीटर दूध की कलेक्शन से जो प्रारंभ हुआ था, इस समय 17 वर्षों के उपरांत आज नमहोल क्षेत्र के बिलासपुर तथा सोलन जिला की 60 ग्राम पंचायतों के 300 गांव के 4000 परिवार अपनी संस्था के साथ जुड़ चुके हैं और इस समय प्रतिदिन हमारी 26000 लीटर दूध की कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसमें मुझे ये जोड़ना है कि आज डेयरी इंडस्ट्री में जब बहुत बड़ा डाउनफॉल, इस समय मिल्क प्रोड्यूसर बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो डेयरी के बहुत बड़े ऐसी स्टेट्स रही है जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय डेयरी है, उनके भी जो संगठन और लोग हैं वो बड़े कसम कस के दौर से गुजर रहे हैं। आज इन सभी स्टेट्स में किसानों को दूध की 20 रुपए 22 रुपए पर लीटर, गाय के दूध की बात कर रहा हूं, वो भी रेट नहीं मिल पा रहा है। कामधेनु संस्था के माध्यम से आज हम लोग अपने उन सभी सदस्य परिवारों को उनके घर द्वार से दोनों समय दूध इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कम से कम 29 रुपए तथा गुणवत्ता के आधार पर 40 रुपए पर लीटर तक उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ना केवल रेट, आज हमने 4 विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्लस्टर में मिल्क कलेक्शन सेंटर स्थापित किए हैं